खबर ग्वालियर से, जहां पर मुकेश जैन की ओर से राम सेवक दास द्वारा भू माफिया से मिलकर माफी ओफाक। विभाग की राम जानकी मंदिर की शासकीय संपत्ति पर कब्जा कराकर विक्रय करने का प्रयास करने के संबंध में दिया गया ज्ञापन। यह पूरा मामला ग्वालियर रियासत के समय में बने प्राचीन राम जानकी मंदिर, जो गंगादास की बड़ी शाला के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर रियासत के समय से सार्वजनिक मंदिर में, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक की शासकीय संपत्ति लगी हुई है, जिसमें कुछ लोग भू माफिया के द्वारा पूर्व महंत श्री जगन्नाथ दास जी के नाम से राम जानकी की मंदिर की संपत्ति का ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट को फर्जी तरीके से पंजीयन करा लिया गया है। IBN 24 न्यूज के लिए वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट। आज शिकायत एक आपराधिक की गई है, इसमें आज दिनांक में आप निकल जाओ, अभी तक कार्रवाई मिल लो, आप जो दिख रही है सरपंच को बोलो ना के बराबर है, इसका क्या रीजन है? जैसा अभी तक ने आज बताया है जो भी सही होगा वो भी करेंगे, जांच में और अभी तक ने इसके साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए कि मामला जिला न्यायालय में विचारा जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन है, इसलिए इसमें हमारे स्तर से कोई बड़ी कार्रवाई अभी संभव नहीं है। ये आवेदक स्वयं भी बता रहे हैं और उन्होंने दस्तावेज भी लगाए हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन है। इसके बावजूद आज चूंकि इन्होंने बताया इनका बहुत बड़ा दायरा है, कई सब डिवीजन और तहसीलों में इसका दायरा है, तो हम उसको फिर से एक बार जाँच कर रहे हैं। सर, इसमें अतिक्रमण आज भी जारी है, आज भी इस पर बाकायदा मकान बनाए जा रहे हैं और प्रेजेंट में इस पर सर 70-80 कमरों का हॉस्टल तक तैयार हो चुका है और लोगों के मकान बने हुए हैं, लोगों ने तार फेंसिंग कर रखी है, बोर्ड लगा रखे हैं। मैं इसे देख के बता पाऊंगा, मैंने खुद नहीं देखा इस जमीन को, मैं इसको देख के बता संबंध में भी आवेदन कितने दिन पहले दिया था आवेदन आपने? अभी इसके पहले आपने आवेदन कब दिया था? इसके पहले तो आवेदन दिया था 18 तारीख 18 9 को दिया था, सामने दिया था सामने कहा था कि मैं इसको कार्रवाई करूँ, तो उसमें जांच के लिए भी अधिकारी को नियुक्त किया गया था, सामने खुद ने कहा था कि मतलब मैं खुद ही इसको देख लूँगा, फिर अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, हमने इसमें सुना है कि SDM किसी SDM पोस्ट को भी नियुक्त किया गया था। हाँ, इसमें क्या है लश्कर SDM है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य न्यासी है नहीं, इसलिए जो अपने झांसी रोड SDM है उनको मतलब लश्कर SDM ने नियुक्त किया कि आप यहाँ की देखरेख के लिए आपको न्यासी के रूप में नियुक्त कराएंगे, ये आदेश उन्होंने वहाँ से दिया है।